असलम एवरी वन एंड वेलकम टू माई किचन टू हैव मेड दिस ब्यूटीफुल मार्बल केक इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड डिलीशियस बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स से मिल के बनता है तो लेट्स द रेसिपी बैटर रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले वन कप पाउडर्ड शुगर ली है इसमें मैंने वन और फोर्थ कप ऑयल ऐड किया है ऑयल के बाद इसमें मैंने वन कप मिल्क ऐड किया है इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए इसके बाद वनीला एसेंस के फ़ोर टू तो फाइव ड्रॉप्स ऐड किए हैं अगेन इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसके बाद मैं वन एंड हाफ कप ऑल पर्पल्स फ्लोर ऐड कर रही हूँ हमेशा सारे पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स को स्टेन करके ऐड करें इससे कोई लम्ब्स नहीं रहती हैं आपके बैटर में और आपका बहुत स्मूथ सा बैटर तैयार होता है अब मैं टू टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करूँगी जिससे एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा बैटर रेडी हो चुका है ये ध्यान रखें कि बैटर आपका इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए यहाँ बैटर को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है जिसमें एक पार्ट में मैं फोर टी स्पून कोको पाउडर ऐड करूँगी कोको पाउडर को भी अच्छी तरह स्टेन कर लेंगे मार्बल केक के लिए हम हमेशा दो बैटर रेडी करते हैं जिसमें से एक हम ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं और दूसरे में हम कोको पाउडर ऐड करके उसको रेडी करेंगे यहाँ मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी कोको पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो गया और हमारे दो बैटर तैयार हो गए हैं इसके बाद हम अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे पैन में बटर पेपर ऐड करके मैंने उसे भी ग्रीस कर लिया है यहाँ मैं टू टेबल स्पून दोनों बैटर वन बाय वन ऐड करती जाऊँगी टू टेबल स्पून कोको पाउडर वाला बैटर ऐड करूँगी उसके बाद टू टेबल स्पून प्लेन बैटर ऐड करूँगी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको तैयार करना है ये पैटर्न बहुत ध्यान से ड्रॉ करें अगर आप मेरी तरह जल्दी करेंगे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब एक टूथपिक की मदद से हम इसमें लाइंस ड्रा करेंगे एक लाइन बाहर की तरफ और एक लाइन अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे एक लाइन ड्रा करने के बाद टूथपिक को ज़रूर साफ कर लें वरना लाइंस नीट नहीं बनेंगी कुछ इस तरह से ये फ्लावर शेप में तैयार हो जाएगा केक हमारा बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए मैं पैन में केक बेक कर रही हूँ क्योंकि पैन में बहुत इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होती है थर्टी मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं टुपिक को सेंटर से चेक कर रही हूँ तुथपिक गीली है इसका मतलब है कि केक अभी तक तैयार नहीं है उसको गेन मैंने पाँच दस मिनट के लिए रखा था आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत केक तैयार हो चुका है ये मेरी सेकेंड थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम केक बेक किया था तो मैंने ठंडा दूध ऐड कर दिया था जिसकी वजह से केक उतना सॉफ्ट नहीं था जितना कि होना चाहिए था तो ध्यान रखें जब भी आप कुछ बेक कर रहे हैं आप पानी या दूध जो भी कुछ ऐड कर रहे हैं हमेशा रूम टेम्परेचर ऐड करें आप चाहते हैं तो केक की फ़्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं लेकिन ये ऑलरेडी इतना खूबसूरत है कि इसको किसी किस्म की फ़्रॉस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है As यू कैन सी इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी केक So must try at home.